गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की एक एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ध्यान से समझना, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या होगा। हमारे पास एक हॉर्स है, उसके साथ एक कार्ट अटैच्ड है। मुझे इस हॉर्स और कार्ट पर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस की डिस्कशन करनी है, और ये डिस्कस करना है भी ये हॉर्स कैसे मूव करता है, किन फोर्सेस की वजह से। बड़े ध्यान से समझना भी, आप खुद भी जब चलते हो तब आप हमेशा पंजे पर फोर्स लगाते हो। दैट मीन्स जब भी आप मूवमेंट करोगे आगे चलकर देखना, आप हमेशा डायगनल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। सेम डायरेक्शन में हॉर्स लगाता है, उसने एक फोर्स लगा दिया। वेट ऑफ बॉडी, आप 9th क्लास में वैसे डिस्कस कर चुके हो, वेट ऑफ बॉडी होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट आ जाता है mg। वेट ऑफ फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इतना ध्यान रहेगा। अब ध्यान से सुनना, फोर्स डायगनली एक्ट किया, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन एक्ट करेगी हमेशा। फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन एक्ट करेगी, रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस किया हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन अपोजिट, फोर्स के अपोजिट। ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल अर्थ के साथ एंगल बना रही है थीटा। आपको पहले सिखाया हुआ था आर जिस साइड थीटा हो उस साइड वेक्टर रिजोल्यूशन हो जाएगा आर कॉस थीटा, दूसरी साइड हो जाएगा आर साइन थीटा। तो मैं फोर्स की डिस्कशन कर रहा हूं अभी, तो व्हेन फोर्स अप्लाइज a force, then there is acting of equal and opposite reaction. Clear? This reaction R gets resolved in two components. First one is R cos theta and second one is R sin theta. इतना क्लियर हो गया, इतना बताया था। R cos theta जो है भी रिएक्शन तो फोर्स का ही फॉर्म है, तो जो R cos थीटा है ये किस में हेल्प करेगी, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स में हेल्प करेगी। R sin थीटा वेट की बैलेंसिंग करेगी। ध्यान रखना, R cos थीटा हेल्प्स इन दी मूवमेंट एंड आर साइन थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ फोर्स। नोट डाउन करो, ये फोर्स का कॉन्सेप्ट था, कार्ट का भी डिस्कस करते हैं। अब कार्ट के फोर्सेस बनाते हैं,
फोर्स खींच रहा है आगे, फोर्स फोर्स आगे लगा रहा है, तो ध्यान रखना एक टर्म होती है टेंशन, बीच में रस्सी बंधी हुई थी, फोर्स आगे खींचेगा टेंशन लगेगी, कार्ट आगे चलना नहीं चाहेगी इधर टेंशन, ये रोप में टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, रोप इट अप्लाइज नल फोर्स, कार्ट कार्ट भी कोई फोर्स तो लगा ही नहीं रहा भाई, मेन फोर्स तो होर्स ही लगा रहा है, कार्ट का क्या होगा, वेट एमजी नीचे लगेगा, वेट ही है कार्ट के पास, कार्ट तो निर्जीव है, और अपोजिट रिएक्शन इन केस ऑफ कार्ट वेट एमजी इज बैलेंस्ड बाय इट्स रिएक्शन आर, नोट डाउन करेंगे इसको।